अभी तक हमने पढ़ा है कि फ्लक्स क्या होता है। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि फ्लक्स क्या होता है, हमारा गॉस लॉ क्या होता है और गॉस लॉ का प्रूफ। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ गॉस लॉ, मतलब हम गॉस लॉ की हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या इम्पोर्टेंस है और उसके बारे में पढ़ेंगे। सो एक्चुअली गॉस लॉ इज़ वेरी यूजफुल, इट इज़ वेरी यूजफुल लॉ। वेरी यूजफुल लॉ, बट इज इट और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू इवेल्युएट ई डी एस। जितनी ईजिली हम ई डी एस को इवेल्युएट कर लेंगे उतना ईजी होगा गॉस लॉ का यूज़ करना और उतनी ज़्यादा गॉस लॉ की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। तो जब हमें इसको इवेल्युएट करना है तो हमें जिस बॉडी के, लाइक हमारे पास कोई बॉडी है, इसके अक्रॉस हमें गॉस लॉ को इवेल्युएट करना है। तो गॉस लॉ कितना यूजफुल है यहाँ पर, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये हमारा फ्लक्स कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता है, कितनी इजीली सॉल्व हो जाता है। तो जब भी हमें किसी बॉडी के अक्रॉस हमें गॉस लॉ को अप्लाई करना है तो हमें एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना पड़ता है। हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है जिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और दी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकंड, जो हमारा एंगल है थीटा बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर, शुड बी कॉन्स्टेंट और जीरो एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस, सो दैट हमारा जो ई कॉस जीरो होगा इस इक्वेशन में वो इजिली बाहर आ जाएगा बिकॉज बोथ आर कॉन्स्टेंट, और हमारे पास क्या रह जाएगा, ई डी एस, और इसको सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो हमें हमें जब भी हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जिस पर ई और थीटा कांस्टेंट हो, थीटा मस्ट बी कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑन दिस गॉसियन सरफेस। ओके, तो यहाँ पर इससे हमें एक चीज़ का और एक और बात का पता चलता है कि जो हमारा गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, सो दैट हर पॉइंट पे इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ सके। ये एक सर्कल है जो कि एक सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल फॉर्म है, इसके हर एक पॉइंट पे इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रही है। तो जो हमारी कंडीशन है फॉर गॉस लॉ वो क्या है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। ओके, नाउ अगर हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है वो यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल नहीं है और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल और यूनिफॉर्म नहीं है, तब भी जो हमारा गॉसियन लॉ होगा ई डी एस वो हमारा ट्रू होगा। बट इन दिस केस हमारा जो ई कॉस जीरो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा सरफेस सिमेट्रिकल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एवरी पॉइंट इज नॉट सिमिलर, और कॉस थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज नॉट सेम एट एनी एवरी पॉइंट, तो हम ई कॉस थीटा को इंटीग्रल साइन के बाहर नहीं ले पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये कंडीशन तो ट्रू है बट हमारा जो इवेल्युएशन है ऑफ ई डॉट डी एस इज नॉट ईजी इन दिस केस। तो यहाँ पर हमारा गॉस लॉ फॉलो तो करेगा बट यहाँ पर फ्लक्स फाइंड आउट करना मुश्किल है, इसलिए
हमें हमेशा सिमेट्रिकल सरफेस चाहिए होता है। गॉसियन जो सरफेस होगा वो हमेशा हमेशा सिमेट्रिकल होगा और सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर। नाउ हमारे पास तीन तरीके के सिमेट्रिकल सरफेस होते हैं। पहला स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री। सेकंड प्लेन सिमेट्री, थर्ड सिलेंड्रिकल सिमेट्री। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, जिसमें हम ये तीन सिमेट्रिकल सरफेसेस का यूज करेंगे और इनके बारे में आगे उन एप्लीकेशंस में हम पढ़ेंगे। पहली एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर। हमारे पास एक स्फेयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ओके। ये पूरा का पूरा स्फेयर एक होलो ही नहीं है, ये पूरा फील्ड स्फेयर है जिसके अंदर भी हमारे चार्ज प्लेस्ड है। तो इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बाहर की साइड, किसी गॉसियन बाहर की साइड। तो पहला हमारा काम क्या होगा, एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, कंसेंट्रिक गॉसियन सरफेस, जो कि हमारा स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, ओके। सो एट दिस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज आवर एरिया वेक्टर ए। सो द थीटा विल बी 0 डिग्री हेयर। अगर हम किसी भी पॉइंट पे हम थीटा को चेक करें तो हर पॉइंट पे थीटा हमारा सेम होगा, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर पॉइंट पे हमारी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करेगी। सो इन दिस केस फ्लक्स फ्लक्स कितना होगा हमारा, सो फ्लक्स विल बी क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस। सो दिस विल बी क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, क्योंकि हमारा थीटा 0 है तो कोस थीटा जी कोस 0 इज इक्वल टू 1। सो ई डी एस एंड दिस विल बी ई क्लोज इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर गॉस लॉ। गॉस लॉ, सो डी एस दिस इज अ स्फेयर, सो इंटीग्रल ऑफ डी एस विल बी 4 पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी ई इज इक्वल टू में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई आर आर स्क्वेयर। ये था हमारा केस एट एट सरफेस। अगर हमें निकालना है गॉसियन सरफेस पे तो आर विल बी सेकंड केस ई इज इक्वल टू में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा 1/4 पाई। यहाँ पर आर स्मॉल आ जाएगा बिकॉज हमें आर गॉसियन सरफेस पे निकालना है तो स्मॉल आर हम कंसिडर करेंगे। सो दिस विल बी आर स्क्वेयर वेयर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर एट गॉसियन सरफेस। थर्ड केस सी जो हमारा होगा, हमें को सरफेस इनसाइड और इसको हम इसका जो रेडियस है वो है आर डैश, ओके, इनसाइड दिस स्फीयर निकालना है। तो इनसाइड दिस स्फीयर यहाँ पर हम इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे हम फ्लक्स निकाल रहे हैं अपना, उसको नाम दे देते हैं, इसको पी डैश और ये वाला जो हमारा था वो था हमारा पी। सो एट
पी डैश जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स विल बी क्लोज इंटीग्रल ई डीएस डॉट डीएस, दिस विल बी ई 4 पाई आर डैश स्क्वेयर. ओके नाउ अप्लाई गॉस लॉ, लॉ क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस. तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड एंड दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज जो इसके अंदर एनक्लोज्ड है वो हमारा इक्वल होगा वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय इट इनटू चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी के इक्वल वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी. हमने यहाँ पर वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी इसलिए लिया है बिकॉज ये जो पूरा स्फेयर है ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है. हमें इसके एक छोटे से पार्ट में हमें अपना फ्लक्स फाइंड आउट करना है. तो वॉल्यूम उस पार्ट का वॉल्यूम एंड चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मीन्स रो रो एंड रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो दिस इज मास, हेयर मास इंडिकेट्स चार्ज. तो जो टोटल चार्ज है इस पे उसको वॉल्यूम से, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो पर यूनिट वॉल्यूम को हम जब जितने वॉल्यूम में हमें फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर जितना चार्ज एनक्लोज्ड है उसके अकॉर्डिंग हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा. उस गॉसियन सरफेस में जितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा. इसलिए हमने यहाँ पर वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी लिखा है. सो वैल्यूज पुट करते हैं, अब ईडीएस हो जाएगा एंड दिस इज ईडीएस ई डॉट 4 पाई आर डैश स्क्वेयर स्क्वेयर एंड दिस विल बी बोल इज इक्वल टू में ई 4 पाई आर डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई हियर दिस इज वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर कंसिडर. ओके गॉसियन सरफेस का स्केयर तो आर डैश स्केयर इंटू रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ द स्फेयर चार्ज स्फेयर. सो 4 पाई दिस 4 पाई कट आर स्केयर एंड दिस विल बी ए ई इज इक्वल टू हेयर समथिंग मिसिंग दिस इज वॉल्यूम चार्ज. यहाँ पर हमारा इसके डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट भी आएगा बिकॉज यहाँ पर हमारा जो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रल ई डी एस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू में चार्ज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट होता है. तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आएगा डिवाइड में, यहाँ नहीं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड दी चार्ज स्फेयर. एंड अगर हम यहाँ पर चार्ज डेंसिटी डेंसिटी की वैल्यू रख दे तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू में डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास चार्ज वॉल्यूम 4/3 पाई दिस विल बी 3 और नो दिस विल बी क्यूब, दिस विल बी स्क्वायर, दिस इज क्यूब बिकॉज हमारा जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है. तो यहाँ पर क्यूब आएगा तो यहाँ पर आर डैश आएगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड
इनसाइड द चार्ज स्फीयर इज इक्वल टू में रो आर डैश बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, हमने यहाँ पे वैल्यू रखी q. सो हेयर वी हैव हेयर दिस इज फॉर एट सरफेस, एट सरफेस क्योंकि हम सरफेस पे अब वापसी चेक कर रहे हैं यहाँ से. तो वॉल्यूम हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एंड पहले से यहाँ पर आ था और डिवाइडेड में एप्सिलॉन भी था और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 एप्सिलॉन 3 कट. दिस विल बी इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सो हमारा ये प्रूफ भी हो गया यहाँ से कि सरफेस पे, अभी हमने पहले भी फाइंड आउट किया था कि जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी होगी वो होगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई आर स्क्वायर. सो दिस वॉज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर. अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, स्फेरिकल शेल. इस केस में जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है आउटसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ड्यू टू चार्ज स्फीयर सेम रहेगी. तो एट पहला केस, मैं यहाँ पर डायग्राम नहीं बना रहा सबके लिए, मैं सीधे सीधे बस सेम केस है दोनों, बस वो फुली चार्ज है ये शेल है तो ये सरफेस से चार्ज है. तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, तो आउटसाइड एट अ पॉइंट पी आउटसाइड, सो दिस विल बी इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, आउटसाइड सेम रहेगी, ऑल्सो सरफेस पर भी सेम रहेगी, बिकॉज जब हम आउटसाइड मेजर कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है, अगर हम ध्यान से इसको समझे तो हमें ये हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक पॉइंट चार्ज से आ रही है क्योंकि हम रेडियस सेंटर से ले रहे हैं, तो इस शेल का तो कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है यहाँ पर. जब हम आउटसाइड मेजर कर रहे हैं तो शेल के बारे में या आउटर सरफेस के यहाँ पर कोई उसका यूज़ नहीं हो रहा. तो जब हम आउटर सरफेस और सरफेस पर हम मेजर करेंगे, आउटर सरफेस के बाहर या फिर सरफेस पर हम मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें सेम दिखती है, बस रेडियस कम ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इम्पैक्ट कम ज़्यादा हो जाता है. बाकी शेल का यहाँ पर जो सरफेस है उसका कोई यूज़ नहीं है. तो आउटसाइड सरफेस ड्यू टू स्फेरिकल शेल और चार्ज स्फेयर होल फुली चार्ज स्फेयर सेम रहेगा, एंड ऑल्सो एट सरफेस this will be E is equal to 1/4 pi capital R square Q by epsilon naught. But now in case of inside the sphere, so at P dash, this is R inside this sphere, at P dash जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी. at P dash इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होगी, बिकॉज इन दिस केस देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड इन इट. गॉस लॉ क्या कहता है कि जो हमारा फ्लक्स होगा वो इक्वल टू होगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, बट इन स्फेरिकल केस द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फेरिकल सरफेस नॉट इनसाइड इट. सो हमारा जो ये गॉसियन सरफेस होगा इनसाइड, यहाँ पर कोई भी चार्ज प्लेस नहीं है इसके इनसाइड, तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिकॉज देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। इसका जो ग्राफ बनेगा हमारा दोनों के केसेस में हमारा सेम नहीं, पहले फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में चार्ज्ड स्फीयर, जब हमारा चार्ज्ड स्फीयर था तो हमारा ग्राफ बनेगा बिटवीन आर एंड ई, आर एंड ई, सो दिस इज आर चार्ज्ड स्फीयर, दिस इज बाउंड्री, दिस इज सेंटर, ओके। सो एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज जीरो बिकॉज डिस्टेंस हमारा जो आर है वो जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी हम ये कह सकते हैं, या फिर जीरो होगी, क्योंकि जब हमारा आर जीरो हो जाएगा तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज स्फीयर है, होली चार्ज स्फीयर, तो आर हमारा जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इन्फिनाइट हो जाएगी। तो एट द चार्ज ओवर द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी, तो यहाँ पर हम जीरो पर, उसके बाद वैसे हम यहाँ पर जीरो लेके चल रहे हैं बिकॉज यहाँ पर इन्फिनिटी का कोई यूज़ नहीं है। जैस उसके बाद इनसाइड द स्फीयर ई वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश, तो ये एक लीनियर कर्व शो करेगा टिल द सरफेस रीच, जब तक हमारा सरफेस नहीं आ जाता ये लीनियर कर्व शो करेगा। उसके बाद आफ्टर दिस पॉइंट सरफेस के बाद ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सो दिस विल गोज लाइक दिस, ओके। दिस इज आवर डिस्टेंस रेडियस, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम होगी इसका मतलब, और सेंटर पे जीरो होगी। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते रहेंगे टूवर्ड्स द सरफेस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी, एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, आफ्टर दिस इट विल गो डिक्रीज 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 एंड एट अ पॉइंट फार अवे फ्रॉम द सरफेस इट विल सीम्स लाइक इट इज जीरो, ओके। सेकेंड जो हमारा केस है वो था शेल के लिए, चार्ज्ड शेल, इस केस में हमारा जो ये हमारा स्फेयर है, अगेन ये डिस्टेंस, दीज आर बाउंड्रीज, सो इस केस में अभी जैसे कि मैंने बताया इनसाइड दिस स्फेयर देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड इन इट, सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल जीरो इनसाइड द चार्ज स्फीयर एंड एट द सरफेस इट हैज सम वैल्यू एंड आफ्टर दिस इट विल फॉलो इनवर्स लॉ स्क्वायर, सो दिस विल गोज लाइक दिस दिस। E is at this point is 4 pi 1 by 4 pi epsilon q by r square at the surface, okay.